एबीसी न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अमन चोपड़ा जी। यहाँ शाम के साथ बज चुके हैं और ये ऐतिहासिक पल अब आ चुका है, बस शुरू होने ही वाला है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में ये शपथ ग्रहण समारोह। ऐसा चौथी बार हो रहा है जब राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और 6,000 से ज्यादा मेहमानों को खासतौर पर निमंत्रण दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मौका, ये ऐतिहासिक पल, और इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी आज पूरी दुनिया। लगातार हम सुबह से कह रहे हैं ये सबसे बड़ी शपथ और सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर। तो जिस पल का इंतजार था, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में और शपथ ग्रहण समारोह जिसमें माना जा रहा है कि लगभग उनके साथ 65 से 70 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। भावी मंत्रियों के साथ चाय पर वो चर्चा कर चुके हैं अपने आवास पर और अब राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में ये शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बाद राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और अब एक एक करके तमाम मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप देख रहे हैं समीर चगांवकर, मैं पहले आपका एक बार कमेंट ले लेता हूं। जो सिटिंग अरेंजमेंट है इस लिहाज से गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास रहेगा। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लग रही है। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो वित्त मंत्रालय संभालेंगे क्योंकि अरुण जेटली जी नहीं है उसकी जगह। अमित शाह वित्त मंत्रालय, बिल्कुल वित्त मंत्रालय जाएंगे। जी जी, ये तय है कि गृह मंत्री वो नहीं बनेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। अमित शाह वित्त मंत्री, मैं तो समझती हूँ कि नितिन गडकरी शायद बने क्योंकि उनको जमीन का भी पकड़ है और बड़े बड़े कार्यक्रमों का, विकास का जितना भी काम किया है उन्होंने, दोनों तरफ का पकड़ उनमें है। आपके हिसाब से वित्त और आपके हिसाब से वित्त मंत्री अमित शाह, आपके हिसाब से दत्ता साहब एक बार पोल करा लेते हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से लगता है शायद डिफेंस मिनिस्टर या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर। मेरे हिसाब से ये दुनिया नहीं चलती और मोदी जी बिल्कुल नहीं मेरी सुनते, इसलिए मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। जो करेंगे संभावना क्या लगती है उन्हीं को संभालना है। संभावना क्या लगती है? नहीं देखिए मोदी जी मोदी नहीं होंगे अगर वो सरप्राइजेस ना दें, और अगर वो ना सरप्राइज दें तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। अशोक चक्रधर जी, मैं मधु से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि मोदी जी के जहन में क्या है और फिर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो दूसरे मोदी के प्रतिबिंब ही हैं। उन दोनों ने क्या सोचा है अपने बारे में ये हम कयास लगाएं, लेकिन वित्त मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री इस बार मुझे लगता है कि 5 साल एक मंत्री रहेगा। अब देखिए 2014 से लेकर 2019 के बीच में रक्षा मंत्री 4 बार बदले, अरुण जेटली सबसे पहले बने, उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को लाया गया रक्षा मंत्री बना के, उसके बाद फिर अरुण जेटली बने और उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण बनी। तो 5 साल में 4 बार रक्षा मंत्री बदले हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार मोदी जी ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपके हिसाब से वित्त मंत्री अमित शाह, आपके हिसाब से वित्त मंत्री अमित शाह जया जेटली जी से इत्तेफाक नहीं रख रही है। विवेक जी वित्त मंत्री ज्यादा, वित्त मंत्री अशोक जी, मुझे लगता है कि अमित शाह जी डिफेंस, अशोक भारतीय अशोक चक्रवर्ती जी, अशोक जी शायद डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे वो, क्योंकि भारत के सामने जो सीमा पर जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा गंभीर हैं और इसलिए होम और डिफेंस दोनों का बहुत ज्यादा तालमेल भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ होना जरूरी है। मुझे लगता है इसलिए उनकी संभावना होम मिनिस्टर की ज्यादा है, डिफेंस मिनिस्टर की ज्यादा है। हाँ मीमांसा, देखिए ऐसा है कि ये तो मंत्री कौन कौन बने गए तो सामने सब चेहरे नजर आ गए, पुराने चेहरे हैं, लेकिन ये टॉप सीक्रेट रहेगा कि किसको कौन सा मंत्रालय जाता है। मैं समझता हूं कि अमित शाह जी को, जो मेरी सोच है, हकीर सी छोटी सी सोच है, कि अमित शाह जी को कोई मंत्रालय नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि जो उनकी पोजीशन है पहले जो पोजीशन थी वही रखनी चाहिए, सारे मंत्रालय मंत्री उनके अंडर है और बाकी देखना है कि किसको कौन तो मंत्रालय जाता है। मंत्री परिषद में जी अब तो आ रहे हैं वो मंत्री परिषद, ठीक है अगर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा था कि वो भारी भरकम एक मजबूत आदमी है तो शायद डिफेंस उनको दिया जाए, डिफेंस हो सकता है उनको प्रधानमंत्री बना दे मोदी। मेरे ख्याल से लगता है कि या तो डिफेंस मिनिस्टर या तो फाइनेंस मिनिस्टर, दो में से कोई एक चीज। और औपचारिक कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है।
देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you.